अभी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आशा है कि आप सब एकत्रित हो गए हमें पढ़ाई करने के लिए और हम आज क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ें, इसके क्वेश्चन दो दो नंबर के आते हैं। अब है व्याकरण में पढ़ेंगे आज क्या हम? प्रत्यय। अभी हमने पिछले में पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं, वैसे ही उपसर्गों की तरह ही इसे भी हम शब्द रचना के लिए किया गया है। काहे का प्रयोग? प्रत्यय का। कुछ शब्दों को हम इसके आगे पीछे या अंत में जोड़ा जाता है, इससे मूल शब्द बनते हैं और फिर अर्थ के अर्थ में बदलाव आता है उसे और विशेषता आ जाती है, जिससे कि ये शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। क्या होता है? ये आगे पीछे जोड़े जाते हैं शब्द में और इससे मूल शब्द की रचना बनाते हैं, नए शब्द और विशेषता और बदलाव आ जाता है, उसी शब्दांश को ही हम प्रत्यय कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके उदाहरण के माध्यम से या परिभाषा, पहले तो देखेंगे परिभाषा, फिर आपको उदाहरण बताएंगे, तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि प्रत्यय क्या होते हैं। परिभाषा है कि ये शब्दांश किसी शब्द में जुड़कर अर्थ में बदलाव या विशेषता ला देते हैं। क्या करते हैं? विशेषता ला देते, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण दिया है, ये है मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? पूजा, सोना, मानव, खुश। अब हम इनके पढ़ेंगे नए शब्द और शब्द की नई रचना। क्या पढ़ेंगे? नए शब्द और शब्द की रचना। जैसे पूजा का बताया है, पुजारी, नया शब्द क्या बनेगा बच्चों? पुजारी। और पुजारी को हम तोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा? पूजारन, आरी, पुजारी। फिर सोना, सोना में क्या लगा है? सू लगा, सुनार। यहाँ पे क्या बना नया शब्द? पहले तो सुनार, सोनार, इसका क्या हो जाएगा तोड़ के? सुनो ना आ, सोनार, यानी सोना, सुनार ही सोने को बनाता है, पीट पीट कर उसके गहने बनते हैं, है ना, तपाकर। फिर है मानव, मानव में आएगा मानवता, क्या आएगा? मानवता। फिर मानव धन, मानवता। फिर पुष्प, पुष्पित, पुष्प धन इत, क्या आ जाएगा? पुष्प धन इत, पुष्पित। ये क्या है? प्रत्यय के उदाहरण। अब हम आगे देखेंगे प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब है कृत प्रत्यय, वह है जो मूल रूप से अर्थात धातु के अंत में लगाकर हम संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों की रचना करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों की रचना करते हैं इनके माध्यम से, तो ये शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसी का ही दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय, क्योंकि इस क्रिया का अंत में जुड़ते हैं ये शब्द, इसलिए कृदंत हो जाता है, है ना। इसको आप देखेंगे हम कि उदाहरण में हमें कैसे आगे करना है, क्रिया का सामान्य रूप जैसे बताया है, और इधर है मूल रूप। देखो क्या लिखा है क्रिया का? पढ़ना, पढ़ धन ना, पढ़ना। पढ़ना में क्या लगा है ये शब्द? छोटा सा पढ़। मूल रूप क्या है? पढ़, पढ़ लेकर हमने बनाया पढ़ धन ना, पढ़ना, लिखना, लिखना। तो इसमें क्या लगा है? लिख। पढ़ना में लगा है पढ़, लिखना में लगा है लिख। बोलना, बोल ना, बोल लगा। चलना, चल चल लगा। भागना में
भाग लगा है प्रत्यय, है ना। फिर प्रतिक्रदन कृत में उदाहरण एक और बताए हैं कि कृदन प्रत्यय में कि क्या है, पढ़ धन धातु और लगाए ये आकु, तो ये हो जाएगा कृत उदाहरण। इसको जो तोड़ का प्रत्यय कृत को तोड़ का बनाने तो हमें इसमें दूसरी भाषा में पढ़ धातु प्लस आकु पढ़ाकु, पढ़ धन आकु पढ़ाकु, क्या हो गया ये पढ़ाकु। अब लूट में लगा देंगे धातु रूप एरा, तो क्या हो जाएगा लुटेरा, है ना। अब हम और देखेंगे कि आगे कृत प्रत्यय में कितने प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय में पांच प्रकार होते हैं, कर्तवाचक, कर्मवाचक, औपकरणवाचक, भाववाचक, विशेषण बताने वाला। कर्तवाचक में उदाहरण है अकलिक यानी लेखक, क्या लग जाएगा अक लेखक। कर्मवाचक में क्या है औना बिच, बिच लगा बिच होना, बिछोना बोलते बिस्तर को। करणवाचक में अन ढक, तो क्या हो गया ढक्कन, ढक अन ढक्कन। भाववाचक संज्ञा में अन चल चलन, क्या लग गया ये चलन, चलन आरम है इधर आका उच्चारण चल अन। विशेषण बताने बनाने वाले आऊ में बिक लग गया, तो बिक लगा कर क्या बनाया बिकाऊ। बच्चों ध्यान से पढ़ते जाएं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपकी व्याकरण समझना जरूरी है। आखिर तद्विक प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर बनते हैं, उन्हें हम नए शब्दों की उनसे रचना होती है जुड़कर, उन्हें हम तद्विक प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाय वाला, चौकीदार, चतुराई आदि। चाय धन वाला, चाय वाला में क्या हो गया चाय वाला, चौकी में लग गया चौकीदार में चौकीदार, तो उनके क्या बना चौकी धन तार। चतुरा आई, इसमें क्या हुआ चतुर धन आई चतुराई। फिर तद्विक प्रत्यय में संज्ञा से बनने वाले शब्द क्या है। अब फिर इनके इसमें भी कर्तावाचक होता है आर लोहा लुहार, लुहार में क्या लगा है लू हा रे, आर लगा है ना लू धन हार लुहार। भाववाचक में क्या लगा है आपा बूढ़ा बुढ़ापा। विशेषण बनाने वाले में आ प्यास, प्यास आस लगा ना प्यास। लघुता सूचक में क्या है ई मटका, तो इसको बोल देंगे मटकी पहाड़ी, ई की बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी इसमें। कौन सी मात्रा आएगी लघुता सूचक में मटकी पहाड़ी घंटी, जैसे ऐसे वाले शब्द आ जाएंगे ई लगाने वाले। कौन से वाले ई लगाने वाले। अब है क्रम सूची में, जैसे क्रम बोलते हैं ना एक दो तीन चार, एक वा पांचवा दूसरा चौथा छठवा वा लगा देते हैं गिनती के क्रम में यानी काउंटिंग करना, तो उसमें क्या वा लगा के क्या हो जाएगा पांच है तो पांचवा हो जाएगा, छह है तो छठवा हो जाएगा, है ना, दस है तो दसवा हो जाएगा, वा लग जाता है। क्या लग जाता है वा करते हैं। अब है स्त्रीलिंग शब्द में क्या हो जाएगा आ सिस, ये से आ लग के शिष्या बन जाएगा, क्या शब्द बनेगा आ लग के से धन आ, तो शिष्या हो जाता है, तो आ सिस शिष्या। बहुवचन में ए पुस्तकें, तो ए यानी ज्यादा पुस्तकें, क्या हो गया ये पुस्तकें। अब है प्रश्न अभ्यास, गृह कार्य के लिए आपके प्रश्न अभ्यास हैं दिए गए। नीचे दिए प्रश्नों का मूल शब्द भरे पहले प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लिखें। आपको ये घर पे आपकी कॉपी